हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी फ्रेंड बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अब घर की डस्टिंग कर दी है, पूरे घर की हो गई है डस्टिंग। सभी चीज़ों को अपनी जगह पर रख दिया है, सेटिंग हो गई। अब किचन के चलते हैं। किचन का सारा काम वैसे ही पड़ा है। सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है, तो अभी दोपहर में देखते हैं क्या बना रही हूँ। हम बनाने जा रहे हैं आज कढ़ाई पनीर। तो प्याज भी लहसुन अदरक काट दिया मैंने। अब इसको अच्छे से धो के मिक्सी में पीस दूँगी। फ्रेंड्स, अभी लक्ष्मी कल भी नहीं आई तो बहुत मुश्किल हो रही है। अगर हाउस हेल्पर नहीं आता तो उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता काम करना, क्योंकि अभी आदत नहीं रही है ना। तो इसलिए अभी प्याज काट के मैं अभी इसको मिक्सी में पीसती हूँ। तो अभी इसके लिए तो ज़्यादा प्याज चाहिए, आप सबको जैसे पता है। मसाला पीस के अब ये मैं इसको तेल डाला है, उसमें जीरा, तेज पत्ता और ये कटे हुए प्याज लहसुन अदरक जो पीसा हुआ है वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। फ्रेंड, मेरे पास हरी शिमला मिर्च नहीं थी, मैंने रेड और येलो थी उसी को यूज़ कर लिया। इसको पतला पतला काट दिया। तो अब टमाटर की प्यूरी भी तैयार हो गई है। इधर ये मसाला भी बन गया लगभग, ये देखिए। फ्रेंड, आप किस तरीके से बनाती हो कढ़ाई पनीर ये मुझे ज़रूर बताना। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो आप जिस तरह से बनाते होंगे मुझे बताइए, तो मैं वैसे ट्राई करके देखूँगी। मैंने नमक मिर्च नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है। बेसिक मसाले होते जो उनसे वो डाल दिए तीनों, तो अच्छे से हो जाएगा ये। उबाल ले रहा है फ्रेंड्स। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर होता है जो कलर के लिए होता है, देगी मिर्च मसाला ये बोलते हैं इसको, तो वो भी कलर अच्छा आ जाए इसके लिए मैंने एक चम्मच ये भी डाल दिया बीच में। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर डालती हूँ, तो ये इसके लिए कंपलसरी नहीं, अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। ये मैंने अच्छे से बन गया। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैं डालूंगी मलाई के 2 बड़े चम्मच। आपके पास क्रीम हो तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। मेरे पास क्रीम नहीं थी इसलिए मैंने फ्रेंड्स मलाई डाल दी इसके अंदर। मलाई से टेस्ट और कलर फिर से बोरी अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाला इसके अंदर। अब थोड़ा सा उबाल आने देंगे इसके बीच में। टेक्स्चर अच्छा लग रहा है इसका। अब ये मैंने डाली कस्तूरी मेथी फ्रेंड्स। इसमें देखने आप हरा धनिया, मेरे पास हरा धनिया नहीं है, हरा धनिया भी डाल सकते हो। अब ये मैंने डाल दिया खुद का बनाया हुआ मसाला। ये कढ़ाई पनीर का बना हुआ शेफ फ्रेंड्स और शाही पनीर दोनों का मैंने बना के रखा हुआ, आपके साथ शेयर करूंगी इस मसाले को कभी मैं। नहीं तो आप नहीं बना सकते और बाजार से ले आ सकते हो, आप बने बनाए मिल जाते हैं। और ये मैंने पनीर काट के रखा वो डाल दिया। तो फ्रेंड वो पाउच आते हैं आप MDH का या कोई और कंपनी का मंगा लो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। हमारी सब्जी लगभग तैयार हो गई है। उसके अब जाते हैं बर्तनों की तरफ। बर्तन काफ़ी है, पहले जोत को एक जोत और मंदिर का सामान एक साइड पे रख के उसको धोती हूँ मैं, फिर उसके बाद सारे बर्तन धोऊंगी। मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो वो आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। मुझे आज मार्केट भी जाना है, थोड़ा कुछ सामान लेके आना था, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं फ्रेंड्स, जहाँ कहाँ गई थी मैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, नेक्स्ट पार्ट में उस वीडियो को मैं डालूँगी। तो अभी बर्तन वगैरह सब हो गए हैं धोने, हो लगभग धोई हो, किचन का काम लगभग हो गया। आटा गूंदा पड़ा, जब आएंगे तो मैं गरम गरम रोटी बना के दे दूंगी बच्चों को। अभी किचन भी क्लीन हो गई है, काम पूरा लगभग ख़त्म हो गया किचन का भी। ये मेरे फ्रेंड मग टूट गया बर्तन धोते धोते, बहुत ही प्यारा अच्छा मग था, क्लियर नहीं आया मग, बहुत प्यारा था वो टूट गया। मेरे बेटे का मग था ये, वो इसी में चाय पीता था ज़्यादातर। चलो जी, किचन का काम ख़त्म हो गया। अब लक्ष्मी नहीं आ रही है तो झाड़ू पोछा खुद करना पड़ेगा, तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया।
फ्रेंड्स, आपको कैसा लगता है जब आपके घर आपकी हेल्पर नहीं आती है तो कितना मुश्किल होता है, ये आप सबको पता ही होगा। जिस एक दिन नहीं सफाई करते, झाड़ू पोछा नहीं लगता तो अच्छा भी, खुद को अच्छा नहीं लगता कोई गेस्ट आ जाए तो। फ्रेंड्स, वैसे मेरे घर में गंद कम ही पड़ता है क्योंकि बच्चे बड़े हैं, तो ये वाइपर से मैंने पोछा लगा दिया, आगे आगे लगा रही हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ क्योंकि कल कल तो आ ही जाएगी लक्ष्मी, तो वो खुद अच्छे से लगा देगी। अब मन को शांत रहता है अगर सफाई घर में होती है। ये देखिए, मैं ऐसे लगाती हूँ पोछे को जब लक्ष्मी नहीं आती है, तो मोप वगैरह की मुझे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लक्ष्मी छुट्टी करती है, मेरे को बता के करती है। उस दिन घर में गंद भी कम डालती हूँ मैं, और बच्चे वगैरह को बोल देती हूँ कल लक्ष्मी ने नहीं आना, सारा काम अपना भी नीचे गंद नहीं डालना। तो अगर 2 दिन हो जाते हैं तो फिर मुझे लगाना पड़ता है झाड़ू पोछा। ये लगभग ये भी काम ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स हमारा झाड़ू पोछे का। तो पौधों में मेरे बाहर पानी डाल दिया था अच्छे से, तो उसका भी क्लीन हो गया। बाहर गैलरी वगैरह साफ कर दी, पहले धो दी थी मैंने। तो अब ये हस्बैंड भी आ गए क्योंकि टाइम जा रहा हो गया, खाना खाने के लिए मैंने पहले कॉल कर दिया था उनको, अभी सब्जी बन गई है। मुझे मार्केट जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ, तो वो भी आ गए हैं। पंखे मैंने ऑन करवा लिए हैं, पंखे चला दो जल्दी सूख जाएगा। नीचे थोड़े बहुत बाल पड़े होते हैं तो वो भी करने होते हैं साफ़। चलो, ये भी काम निपट गया लगभग। अब कारपेट वगैरह भी छा रही हूँ मैं, सारे कर रही हूँ। ये कारपेट वगैरह क्लीन हो गया, घर सुंदर बन गया, पंखे ऑफ हो गए हैं। देखिए, घर क्लीन, नीट एंड क्लीन बन गया हमारा। चलो अब चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। पंखों को पहले ऑफ करें, बिजली नहीं ज़्यादा जलानी चाहिए। बाहर धूप भी गैलरी में अच्छी निकल रही है। फ्रेंड, थक जाती हूँ जब काम होता है, तो अभी थकावट हो रखी है, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। तो क्योंकि नहीं, झाड़ू पोछा लगाने में मेहनत ज़्यादा लगती है तो वो नहीं हो सकता। तो अभी चलो, जैसा भी हो गया अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं किचन में, बनाने चलते हैं खाना। आप देखिए, रोटी भी हो गई है गर्म गर्म रोटी। फ्रेंड्स, सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, गर्म गर्म खाना खाओ। तो मैं ज़्यादातर रोटी जब आ जाते हैं तभी बनाती हूँ, सब्जी फिर से गर्म कर लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, खाइए गर्मा गर्म रोटी आप भी। अब फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ, मेरा काम लगभग सारा ख़त्म हो गया, मैंने खाना भी खा लिया है, अब मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपने भी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।